नोटबंदी के बाद से नकदी की दिक्कत झेल रहे लोगों के लिए खबर राहत दे सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से पैसे निकालने की सीमा में थोड़ी ढील दी है। आरबीआई की इस ढील के बाद से लोग अब बैंक से एक सप्ताह में 24,000 से ज्यादा निकाल सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने ये राहत सिर्फ उन लोगों को दी है जिन्होंने अपने अकाउंट में 29 नवंबर से मान्य नोट जमा किए हैं। रिजर्व बैंक ने सोमवार देर शाम सर्कुलर जारी कर कहा कि लीगल टेंडर यानी वैध करेंसी नोट जमा करने वाले ग्राहक मौजूदा सीमा से अधिक राशि निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई मान्य करेंसी नोट जैसे 2000, 500, 100, 50, 20, 10 या 5 रुपए जमा करता है तो उसकी साप्ताहिक निकासी की मौजूदा सीमा बढ़ जाएगी। अगर किसी ने अपने अकाउंट में 4000 रुपए वैध करेंसी जमा किए तो उसके लिए नगद निकासी सीमा 24,000 से बढ़कर 28,000 रुपए हो जाएगी। बता दें कि चालू खातों के लिए छोटे व्यापारियों के लिए निकासी सीमा प्रति सप्ताह 50,000 रुपए है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद कैश की कमी होने पर सरकार ने निकासी की सीमा तय कर दी थी। पहले ये सीमा एक दिन में 10,000 रुपए और हफ्ते में अधिकतम 20,000 रुपए तय की गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 24,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी नियमों में ढील दी गई।